हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सोना गुप्ता। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो क्या आप कहीं भी पास के डिस्पेंसरी में या कहीं भी किसी के पास भी जाके टिटनस की सुई लगवाते हैं कि नहीं लगवाते? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपको मैं आज ये बताना चाहूँगी कि जब भी चोट लगती है तो आपको हर बार टिटनस की सुई लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौंक गए होंगे ना। तो देखिए क्या होता है कि हमारे बच्चे को जो रूटीन वैक्सीनेशन लग रहे होते हैं जन्म से लेके जो लगते हैं अपने 5 साल तक 10 साल तक, अगर अपन वो रेगुलर वैक्सीन्स, चाहे अपन वो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में लें या प्राइवेट में लें, अगर कहीं भी आप रेगुलर पूरे वैक्सीन्स लगा रहे हैं तो चोट लगने पे बार बार टिटनस की सुई लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका शेड्यूल ये होता है कि 1.5 महीने पे 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे 3 टिटनस की सुइयाँ लगती है, जो कि DPT के साथ, DPT वैक्सीन के नाम से आती है। इसमें डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस भी शामिल होते हैं। तो जो DPT का वैक्सीन आप लगवा रहे हो 1.5 2.5 3 महीने पे, इसमें टिटनस की सुई शामिल है। फिर इसका एक बूस्टर लगता है, वो लगता है 1.5 साल पे, वो भी DPT का लगता है, उसमें भी टिटनस की सुई शामिल होती है। और 5 ईयर पे जो हम DPT लगाते हैं उसमें भी टिटनस शामिल है, और 10 ईयर पे भी एक अकेला टिटनस की सुई लगती है। तो इस तरह से अगर अपन रेगुलर वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो बीच बीच में बच्चे को चोट लग जाती है तो प्लीज़ डोंट टेक टिटनस वैक्सीन, क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमें फिर इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।